नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं सतीश शर्मा, सिरमौर जिला का मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। और सुबह ठीक 10:45 का ये वक्त रहता है जब जिला सिरमौर से जुड़ी तमाम अपडेट लेकर हम आपके बीच पहुँचते हैं। मॉर्निंग बुलेटिन के जरिए कोशिश यही कि हम जिला सिरमौर से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लाइव टाइम्स टीवी के दर्शकों तक पहुँचाएं। सिरमौर बुलेटिन में सबसे पहले बात हरिपुर धार में आज से शुरू होने वाले माँ भंगाइनी मेला की करेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही देर में जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम द्वारा जिला स्तरीय इस मेले का आगाज किया जाएगा। 3 दिवसीय इस मेले का समापन की अगर हम बात करें तो मेले के समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करने वाले हैं। हरिपुर धार क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। अच्छा खासा व्यापार भी इस मेले में होता है, बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी भी पहुँचते हैं। पिछले एक माह से माँ भंगाइनी मेला जो कमेटी है इनकी तैयारियाँ जोरों पर थी और आज कुछ समय बाद मेले का आगाज हो जाएगा। और जो माता की जो छड़ी है माँ भंगाइनी की, उस छड़ी को मंदिर से मेला स्थल तक लाया जाता है और मेला स्थल पर छड़ी को लगाने के साथ ही मेले का आगाज होता है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ माता भंगाइनी मंदिर से लेकर करीब 3 किलोमीटर दूर तक जो है वो छड़ी को लाया जाएगा। ढोल नगाड़ों की धुनों पर माता के उद्घोषों के साथ झड़ी जो है माता की झंडी यहाँ पर पहुँचेंगी और विधिवत आज मेले का आगाज हो जाएगा। बात परशुराम जयंती की करेंगे। सिरमौर जिला में परशुराम जयंती की धूम है। सबसे पहले बात परशुराम भगवान की जन्मस्थली रेणुका जी की अगर हम करें तो यहाँ पर आज विशेष हवन का आयोजन किया जा रहा है और आज यहाँ पर जो है वो जिला उपायुक्त तो राम कुमार गौतम यहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। उधर पांवटा साहिब में आज परशुराम जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई। बात जिला मुख्यालय नाहन की करेंगे तो कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक शुभारम्भ यहाँ पर हुआ है शोभा यात्रा का और अभी भी ये शोभा यात्रा शहर की परिक्रमा कर रही है। पूरे जिला में विभिन्न तरीके के कार्यक्रम परशुराम जयंती पर आज आयोजित हो रहे हैं। बात वन विभाग की करेंगे। आपको बता दें कि नाहन विधानसभा क्षेत्र के मातर का जो एरिया है वहां पर वन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लोगों के साथ मारपीट के आरोप लगे। कहना लोगों का ये है कि झूठा केस उनके ऊपर जो है वो बनाया गया है। जिला के जो पुलिस अधीक्षक है उनको भी शिकायत इस बारे में सौंपी गई है और कहना ये है कि वन विभाग द्वारा जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और जब इस बात का उनके द्वारा विरोध किया गया तो इस विरोध के दौरान वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। तो ऐसे में निष्पक्ष जाँच की उम्मीद जो यहाँ पर एक गुहार है वो पुलिस से लगाई जा रही है। करीब आधा दर्जन लोग जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे थे और ये शिकायत सौंपी गई है। कहना यही है कि उनके साथ गलत मुकदमे में उनको फंसाया जा रहा है। इसके साथ साथ जब इस बात का विरोध उनके द्वारा किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे में इस जो पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग पुलिस अधीक्षक सिरमौर उमापति जमाल को ज्ञापन सौंपकर की गई है। बात मोगिनंद की करेंगे जहाँ एक कपड़े की दुकान से 953 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना ये मिली थी कि इस व्यक्ति द्वारा नशे का कारोबार किया जाता है और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब दुकान में दबिश दी तो दबिश के दौरान यहाँ से 953 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। इस व्यक्ति के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत तो मामला दर्ज किया गया है। SP सिरमौर उमापति जमवाल ने इस मामले की पुष्टि की है। वहीं मोटरसाइकिल सवारों से भी जिला में 451 ग्राम चरस बरामद की गई। ये मामला शिलाई क्षेत्र का है और बताया ये जा रहा है कि पुलिस यहाँ जो नाकाबंदी के दौरान जो है जांच कर रही थी और जब यहाँ कुछ मोटरसाइकिल सवार को यहाँ पर रोका गया तो मोटरसाइकिल सवार लोगों से 451 ग्राम चरस बरामद की गई। इस मामले की पुष्टि भी SP सिरमौर उमापति जमवाल द्वारा जो की गई है। NDPS एक्ट के तहत इस मामले में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। बात ईद उल फितर की करेंगे। आज जिला मुख्यालय नाहन की अगर हम बात करें तो यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है और जो यहाँ पर नगर परिषद का जो यहाँ पर ग्राउंड है यहाँ पर लोगों ने इकट्ठा होकर आज नमाज अता की है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग पहुँचे और मुल्क की सलामती के लिए यहाँ पर दुआ समुदाय के लोगों द्वारा मांगी गई। इस बार विशेष प्रबंध यहाँ पर किए गए थे, बाकायदा टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी ताकि बढ़ती गर्मी के बीच कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। अक्सर धूप का सामना जो नमाज अता करने वक्त जो यहाँ पर उनको होती थी परेशानी, उनको यहाँ झेलनी पड़ती थी, तो इस बार विशेष प्रबंध यहाँ पर किए गए थे। टेंटिंग यहाँ पर की गई थी ताकि आसानी से यहाँ पर नमाज अता की जा सके।
जिला सिरमौर से जुड़ी यही कुछ जानकारियां थी जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और इस वक्त तो आपके बीच जब मॉर्निंग बुलेटिन लेकर पहुंचते हैं तो कोशिश है कि जिला सिरमौर की तमाम अपडेट हम लाइफ टाइम्स टीवी के दर्शकों तक पहुंचाएं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।